चिकन सुक्का, तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ ये बेर की चिली और इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। इसके साथ में मैं मिलाऊंगा गंटूर चिली, ये आप देख सकते हैं ये है स्पाइसीनेस के लिए। ये हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे अलग से। अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया और ये 2.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है। इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगा। अब इसके अंदर मैं डालूँगा ज़ीरा, जीरा भी जो है हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ मसाले जो है एक साथ डालेंगे हम, ये इसमें गई काली मिर्ची, सरसों दाना, ये मेथी दाना, 2 से 3 तेज़पत्ता, ये दालचीनी, बायदियान यानी स्टार एनिस, 5 से 6 लौंग और ये इसमें जाएगी सौंफ। ये वाला मसाला भी हमारा जो है ड्राई रोस्ट हो चुका है, ये देखिए आप, ये सारा मसाला जो है ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब इसका जो है मैं पाउडर बना लूँगा। ये मैंने फ्रेश नारियल लिया है, इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगा। कोकोनट जो है हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको जो है आधे को तो मैं मसाले में मिक्स करके मैं इसका पाउडर बनाऊंगा और आधे को जो है मैं गार्निश के लिए रखूँगा। तो हम डाल रहे हैं कोकोनट ऑयल बीच में, ये देखिए आप। अब इसमें मैं डालूँगा अनियन और इन अनियंस को मुझे जो है ब्राउन करना है और साथ ही में इसके अंदर जाएगा ये साबुत लहसुन। हमें जो है प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, तो वही कर रहा हूं मैं अभी। देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगा ये चिकन, फिर बोन है ये। इसको मैं करूंगा सॉटे। और अब इसके अंदर मैं डालूंगा सॉल्ट टू टेस्ट, साथ में इसमें जाएगी ये कश्मीरी मिर्च और ये जाएगा हमारा सुक्का मसाला। साथ में इसके अंदर मैं डालूंगा अभी थोड़ा सा इमली का पानी यानी टैमरिन वाटर, क्योंकि इसकी जो स्पाइसीनेस है वो ये इमली का पानी ही जो है जो इसको बैलेंस करेगा। ये इसके अंदर जाएगा कड़ी पत्ता, इसके अंदर मैं ट्विस्ट दे रहा हूँ, वो अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ये देखिए मसाला ये भुन चुका है। अब क्योंकि हमें चिकन को भी गलाना है, तो इसके लिए मैं इसके अंदर जो है कोकोनट वाटर का यूज़ कर रहा हूँ और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे जब तक कि ये पानी हमारा सूख ना जाए और सारा मसाला अच्छी तरीके से जो है मैच्योर ना हो जाए। ये देखिए हमारा चिकन सुक्का जो है तैयार हो रहा है और क्या मस्त लग रहा है ये, दिल कर रहा है अभी खा लो इसको। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक ये पानी हमारा पूरा सूख ना जाए, क्योंकि चिकन सुक्का है तो ये बिल्कुल ड्राई होता है। बस तो ये देखिए अब जो है हमारा चिकन सुक्का है बनके तैयार है। इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा कोथमीर यानी कि धनिया और अब इसको करेंगे सर्व।
हमारा जो चिकन सुक्का है तैयार है सर्व करने के लिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।